स्वामी हम कहीं और जाकर निवास नहीं कर सकते? किसी ऐसे स्थान पर जहां उत्साह का वातावरण हो। उचित है उमा, मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उमा, ये है काशी, मेरी सबसे अधिक प्रिय नगरी। स्वामी, ये नगरी तो मुझे भी भा गई। मन करता है यही स्थित हो जाऊं। हाँ प्रिय। प्रणाम महादेव। महादेव, यदि आप और देवी पार्वती दोनों काशी में वास करेंगे तो हम सभी देवता भी यहीं स्थित रहेंगे। सत्य है, इस नगरी से अधिक पावन स्थान तो समस्त संसार में कहीं भी नहीं। मुझे इतना क्यों प्रिय है, इसलिए मैंने मन बना लिया है आज से अब मैं यहीं पर निवास करूंगा, जिसे विश्वनाथ के नाम से जाना जाएगा और ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक मान्यता रखेगा। और ये पांच कोशी काशी मेरी ही शिवलिंग का भाग होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण काशी को ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। 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 स्वामी, और मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं भी यहां आपके निकट ही स्थित रहूंगी। शिवलिंग के रूप में साक्षात पिताश्री अर्थात जगत पिता परमेश्वर महादेव है। हाँ गणेश, पिताश्री के ज्योतिर्लिंग के शुभ दर्शन कर, उनका जलाभिषेक कर, उनका स्मरण और उनकी पूजा करते हैं। शीघ्र शीघ्र जाइए आप दोनों। हाँ हाँ, उसके पश्चात अवश्य मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ जाइए जाइए जाइए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। कितना समय लग रहा गणेश जी को और कुमार कार्तिकेय को? पिताश्री, वो देखिए, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव लौट रहे हैं। प्रभु प्रभु, हो गई आपकी पूजा संपन्न, अब तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी ना? है ना, है ना, है ना प्रभु? अवश्य ज्ञानारी जी। चलिए प्रभु, चलिए। भैया, क्या आपने भी ये रुदन का स्वर सुना?
हाँ गणेश। मेरे पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश यहाँ है, शीघ्र ही यहाँ मेरी उनसे भेंट होगी। वो अवश्य मेरे स्वामी को मेरे निकट लाने का उपाय ढूंढ ही लेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति देने का वचन आप भंग कर रहे हैं। मुझे मुक्ति दिलवाइए, अभी अभी दिलवाइए। हाँ प्रभु। जाओ पुत्रों, अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हारा वचन तो किसी भी बंधन से, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे दायित्व से भी कहीं सर्वोपरि। मैं दीर्घकाल से अपने स्वामी के सानिध्य से दूर रहने की अपार पीड़ा सह रही, जो अब मेरे लिए और भी असहनीय होती जा रही। कि तुम मैं तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन में बाधा कदापि नहीं बनूंगी। मैं मेरे स्वामी के लिए अधीरता से प्रतीक्षा करूंगी। ज्ञानारी जी, जो जीवन में जैसे कर्म करता है वो उसके वैसे ही फल भोगता है। आपने ईश्वर को नकारा, अधर्मपूर्ण आचरण किया, अन्य जीवों पर अत्याचार किए, इसलिए आज आप इस योनि में हैं। किंतु अब मैं और भैया आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। तो पुनः अपना धैर्य खोकर अपने लिए कठिनाई उत्पन्न मत कीजिए ना। हाँ ज्ञानहारी जी, धीरज रखिए तनिक। मैं और गणेश अवश्य आपकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। धीरज धरूं? और कितना धीरज धरूं? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपने कहा काशी चलो, हम काशी आ गए। आपने कहा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेंगे। मैं धैर्य पूर्वक आपके द्वारा वो पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा करता रहा। किंतु क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो अभी भी रह गया ना गुरु, भयंकर पिशाच। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्या मैं यही मान लूं कि मैं इसी प्रकार पिशाच बनकर भटकने पर विवश हूँ? क्या मुझे इस योनि से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? नहीं। तुम्हें काशी में पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होगी। ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? ज्ञानहारी जी पिशाच योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आप दोनों महादेव पुत्रों को मेरा नमन। मुझे यहां काशी के इस पावन तीर्थ में जिस अद्वितीय दिव्यता के उपस्थित होने का आभास हो रहा था, वो आप ही थे। आपके शुभ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। प्रणाम ऋषिवर। आप? मैं जगशव्य ऋषि हूं। महादेव का एक साधारण भक्त। मेरा नियम है महादेव के दर्शन के बिना अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता हूं। ये सब तो ठीक है, किंतु आपने क्यों कहा कि मुझे काशी में मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? क्यों कहा आपने ऐसा? काशी नगरी तो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ जो जीव मरणासन्न अवस्था में पहुंचता है और जिसकी यहाँ मृत्यु हो जाती है, उसे स्वयं महादेव
उसके कर्ण में तारक मंत्र का उच्चारण कर उसका उद्धार करते हैं, उसकी सदगति निश्चित करते हैं। किंतु मेरी मृत्यु तो काशी में नहीं हुई है, तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? मुझे 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 वो सदगति कैसे प्राप्त होगी? ऋषिवर, मैं और मेरा अनुज गणेश ही इस पिशाच को यहाँ लाए, जिससे हम इसको इसकी इस अवस्था से मुक्ति दिला सके। तो कृपया अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इसकी सहायता करें। इसका एक ही उपाय है, इस पिशाच को इसकी इस अवस्था से मुक्ति तो एकमात्र माँ गंगा ही दे सकती है। हाँ भैया, ऋषिवर सर्वथा उचित कह रहे हैं। माँ गंगा तो मोक्ष दायिनी है, मोक्ष और मुक्ति की वो एक माध्यम है। बहुत समय पूर्व नंदी जी ने मुझे एक कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को सदगति पहुँचाने हेतु माँ गंगा का आवाहन किया था। अच्छा, तब तो हमें भी एक कथा सुननी चाहिए। कथा में समय व्यतीत करने के स्थान पर इसे अपने पिता की मुक्ति का उपाय नहीं पूछना चाहिए। ज्ञानारी जी, वत्स सुबोध का ये समझना कि उसके पिता को पिशाच योनि से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गंगा माता ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है, तो आप उनकी महिमा से परिचित नहीं होना चाहते? उचित उचित ही कहते हैं आप गणेश जी, कितनी कथाएं सुन चुका हूँ, तो कदाचित एक और कथा से मेरी मुक्ति में अधिक विलंब तो नहीं होगा, उचित है। एक समय की बात है, सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, राजा सगर, जिनके 60 सहस्त्र पुत्र थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ है जिसमें श्वेत अश्व को मुक्त होकर सर्वत्र विचरण करने दिया जाता है, और जिन क्षेत्रों में ये अश्व निर्बाध विचरण करता है, उस क्षेत्र के राजा यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाते हैं। और जब वो अश्व किसी अन्य राजा के द्वारा बिना बंदी बनाए लौट आए, तो अश्वमेध यज्ञ सफल माना जाता है, और जो भूपति 100 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है, वो देवराज के पद के योग्य बनकर उनके सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। तो जब देवराज इंद्र को राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ करने के अभिप्राय का ज्ञात हुआ, तो देवराज इंद्र ने यज्ञ के अश्व का हरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब राजा सगर को यज्ञ के अश्व की हरण की सूचना प्राप्त हुई, तो बहुत व्यथित हुए, किंतु उनके अहंकारी पुत्रों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को छान कर यज्ञ के अश्व को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। और अंततः जब राजपुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला, तो उन्होंने मान लिया कि मुनिवर ने ही अश्व का हरण किया, और वो उन्हें दंडित करने के लिए आगे बढ़े। दुष्ट, चोर कर्म किया है तुमने। किंतु सगर पुत्रों को यह ज्ञात नहीं था कि जिन कपिल मुनि का वो अपमान कर रहे थे, वे तो स्वयं भगवान नारायण के ही समान तेजो में थे, स्वयं उनका ही अवतार थे। उनकी धृष्टता के दंड स्वरूप कपिल मुनि ने उन सभी सगर पुत्रों को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म कर दिया। राजा सगर दुख में डूबकर अपने पुत्रों की मुक्ति का उपाय करने लगे, किंतु न उन्हें और ना ही उनके पौत्र राजा अंशुमन और उनके पुत्र राजा दिलीप को ही इस कार्य में सफलता मिली, और उनके 60 सहस्त्र पुत्र उसी भांति जली राख बनकर स्थित रहे। किंतु फिर राजा सगर के पुत्र दिलीप के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया, और उन्हें ज्ञात था कि माँ गंगा ही उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, और साथ ही उनके राज्य में भयंकर सूखा भी पड़ा। अपने पूर्वजों के साथ साथ राजा भागीरथ ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए माँ गंगा का घोर तप किया, और अंततः माता ने उनके तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने का वरदान उन्हें दिया।
पुत्र भागीरथ। प्रणाम माँ गंगे। पुत्र भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी, तब यदि मेरे वेग को ना रोका गया तो समस्त पृथ्वी मेरे प्रचंड जल प्रवाह में बहकर नष्ट हो जाएगी। माता, मैं तप करके आपके वेग को रोकने के लिए महादेव को मना लूंगा। प्रणाम माता। इसके पश्चात ऋषि भागीरथ महादेव के तप में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। तुम धन्य हो वत्स भागीरथ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारी सहायता कर तो मैं स्वयं भी आनंदित हो जाऊंगा। देवी गंगा, मैं आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूं। निश्चिंत होकर नीचे आइए। जब माता गंगा महादेव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भागीरथ उन्हें अपने 60,000 पूर्वजों के अवशेषों की दिशा में ले गए। माँ गंगा के पावन जल के स्पर्श से राजा भागीरथ के पूर्वजों को सदगति प्राप्त हुई। इसलिए मोक्ष और मुक्ति प्रदान करती है माँ गंगा। आप सभी को इस पिशाच को माँ गंगा की जलधारा की ओर ले जाना चाहिए। जैसे ही माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लेगा, वो इसे इसकी इस पिशाच योनि से अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगी। ऋषि, हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, अच्छा है। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। मेरी सोनी से मुक्ति अब माँ गंगा के द्वारा ही संभव है। हाँ, शीघ्र शीघ्र के निकट चलिए। ज्ञानारी जी, आप चिंता ना करें, अब आप पिशाच योनि से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये कैसा संकट है, मुझे सावधान रहना होगा। पिशाच, तूने यहाँ आने का तो साहस कैसे किया? ये तो काल भैरव है। काल भैरव, वो कौन है? पिताश्री के ही अंश है ये, और इनकी उत्पत्ति की भी एक कथन है। सृष्टि की रचना के उपरांत एक बार फूफा जी ब्रह्मदेव में बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मान बैठे थे। तब उनके 5 शीष होते थे। ब्रह्मदेव के अहंकार का अंत करने हेतु ही पिताश्री से काल भैरव जी उत्पन्न हुए, और पिताश्री ने काल भैरव जी को ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी उनका 5 शीश उनके धड़ से विलग करने का आदेश दिया। वो सब तो ठीक है, किंतु ये यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस पावन स्थल का रक्षक हूँ, मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ कैसे आए? विच
सुरक्षित रहिए काशी नगरी, यहाँ तो सब मुझ पर आक्रमण करने पर ही तुले हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए प्रभु, प्रभु छोड़ दीजिए। प्रभु छोड़ दीजिए। एक पिशाच होकर यहाँ आने का तो साहस किया, अब मैं तुम्हें इस घोर अपराध के लिए दंडित करूंगा। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया था गणेश जी। प्रभु काल भैरव जी, प्रणाम काल भैरव जी। मैं गणेश हूँ और ये मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय हैं और हम दोनों महादेव के पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस पिशाच को हम ही यहाँ लेकर आए हैं, उसे उसकी इस दुरावस्था से मुक्ति दिला रहे। छोड़ दीजिए। और जिसके लिए माता वाराही ने भी हमें काशी की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी, हम आपसे विनय पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप भी क्रोधवश इसे कोई हानि ना पहुंचाएं प्रभु। छोड़ दीजिए प्रभु, ये हमारे शरणागत हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, यदि हमें ज्ञात होता कि आप इस क्षेत्र के रक्षक हैं तो आपकी अनुमति के बिना हम आगे बढ़ने की चेष्टा कदापि नहीं करते। आप दोनों महादेव पुत्र हैं और महादेव ने ही मुझे काशी नगरी के प्रधान रक्षक पद पर नियुक्त किया है, एवं मणिकर्णिका घाट में देवी सती के कर्ण का कुंडल गिरा था और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ, उसी शक्तिपीठ का भैरव हूँ मैं। काल भैरव जी, हम अपने शरणार्थी इस पिशाच को माँ गंगा के पास ले जा रहे हैं। हमने इसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है, आप कृपा कर हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। वैसे किसी भी पापी पिशाच का प्रवेश इस पावन स्थली पर निषेध है, किंतु ये आपके साथ आया है, स्वयं महादेव के पुत्रों के साथ, इसलिए मैं आप सबको नहीं रोकूंगा। धन्यवाद काल भैरव जी। बस बहुत हुआ गणेश जी, इसके पूर्व कोई अन्य हमारा मार्ग रोके, मुझे किसी भी प्रकार इसी योनि से मुक्ति दिला ही दीजिए। धीरज का फल मधुर होता है ज्ञानारी, ये कितनी बार स्मरण कराना होगा तुम्हें। वो हमारे समक्ष माँ गंगा की पावन जलधारा है। आओ चलो, अब तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। क्या हुआ गणेश, तुम अचानक रुक क्यों गए? भैया, इस पिशाच को मुक्ति प्राप्त होने के उपरांत हम माँ के दर्शन हेतु मणिकर्णिका घाट जाएंगे। हाँ गणेश, भला ये कैसे संभव कि हम काशी आए और माँ के दर्शन किए बिना ही लौट जाएं? हम अवश्य जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं भी बड़ी अधीरता से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भैया, मुझे तो अब भी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है, किंतु मुझे ज्ञात है माँ हमारी दुविधा अवश्य समझ रही होंगी, क्योंकि परिवार से सर्वोपरि है हमारा कर्तव्य। हाँ भैया, ये माँ ने ही हमें कहा था। क्या हुआ गणेश जी,
आप दोनों पुनः क्यों रुक गए? चलिए भैया, इस पिशाच को इसकी अवस्था से मुक्ति प्राप्त होगी, तभी तो हमें इससे मुक्ति मिलेगी ना भैया। और अब उसका समय आ गया है। अवश्य आओ। हे माँ गंगा, हमारा नमन स्वीकार करें और अपनी इस पावन जलधारा में प्रवेश करने हमें प्रवेश करने की अनुमति दें। अरे अब आप वहाँ खड़े किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ज्ञानारी जी? कब से मुक्ति 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 का लाप लगा रहे थे आप, और अब मुक्ति का समय समक्ष है तो घाट पर ही खड़े हैं आप। वो मुझे इस जल से भय लगता है। पिताश्री, इसमें भयभीत होने का तो कारण ही नहीं है, आपको बस धीरे धीरे जल में प्रवेश करना है। सर्वप्रथम मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। वो क्षण बहुत ही निकट है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। इस पिशाच योनि से मुक्ति का क्षण। अरे ये क्या? प्रचंड ऊर्जा के वेग से क्या नारी जी को पीछे धकेल दिया। ये तो स्पष्ट है गणेश की, माँ गंगा ने ज्ञानारी को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, किंतु वो सुरक्षित तो है ना? हाँ भैया, हमें उन्हें देखना चाहिए। चलिए। ज्ञानारी जी, आप कुशल तो है ना? नहीं, कुशल नहीं हूँ मैं, अभी भी इस पिशाचियों नहीं मैं ही हूँ। सरगति दिलवाएंगे मुझे, ऐसा वचन दिया था आपने मुझे। जब वो संभव नहीं कर सकते तो ऐसा वचन क्यों दिया? यहाँ काशी को लेकर आ गए। एक सत्य को भली भांति समझ लो ज्ञानारी। निर्बलों को बल देना, दुखियारों के दुख हरना, शरणागतों की रक्षा करना गणेश का धर्म ही नहीं, उसका स्वभाव भी है। तुमने तो अपने जीवन में ना इस प्रकार कभी विचार किया है और ना ही इसके अनुसार अपना जीवन जिया है, अन्यथा तुम इस दुरावस्था में कदापि नहीं होते। किंतु अब विश्वास करो, गणेश तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। भैया, हम ऋषि जगश्वे के सुझाव पर ही यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था माँ गंगा के पावन जल में क्या नारी जी के डुबकी लगाने से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी, किंतु ज्ञानारी जी तो माँ गंगा के पावन जल का स्पर्श भी नहीं कर सके। भैया, इसलिए हमें माता गंगा के जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने की अनुमति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ गंगा, आप तो हमारे यहाँ आपके तट पर आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित है ना माँ, किंतु फिर भी आपने इस पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। हे माँ गंगा, इसलिए यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा माता, और कृपा कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें अपने वचन को पूर्ण करने का उचित मार्ग सुझाइए माता। Thank you.
प्रणाम माता गंगा। प्रणाम महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी एवं आपको भी प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी। आप दोनों से कोई भी भूल नहीं हुई है, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मेरे जल में प्रवेश किया। किंतु भूत पिशाच सतगति से वंचित भटकी हुई आत्माएं होती हैं। इन्हें जल की एक बूंद ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं। तो फिर ये पिशाच मेरे पवित्र जल में किस प्रकार प्रवेश कर सकता है? किंतु यदि मैं आपकी जलधारा में प्रवेश नहीं करूंगा तो मुझे पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञानरी, धीरज रखो, शांत रहो और ध्यान से सुनो। माँ गंगा तुम्हारे ही विषय में बात कर रही हैं, तो उनसे धृष्टता करने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? धृष्टता ही अहंकार का लक्षण है और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हारी ऐसी दुर्गति करवाई। क्या अब भी तुम ये समझने में असमर्थ हो? उचित है फिर, शांति रहूंगा, किंतु कब तक? मेरी मुक्ति तो शीघ्र होनी चाहिए। मुझे ज्ञात है, किंतु आपको अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु इसे काशी में स्थित तीर्थ स्थान पिशाच मोचन तीर्थ ले जाना चाहिए। पिशाच मोचन तीर्थ माता, ये कैसा तीर्थ है? आप कृपा कर क्या हमें इस तीर्थ के महत्व से अवगत कराएंगी माता? अवश्य गणेश जी। इस तीर्थ स्थान के पीछे भी महादेव की लीलाओं की अत्यंत मनोहारी कथा है। अनेकों वर्षों पूर्व महादेव के एक निष्ठावान भक्त, उनके एक गण कापड़ी ने काशी के उत्तर भाग में पित्तेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन महादेव के भक्त ने शिवलिंग बनाकर पूजा करना आरंभ किया, किंतु वहां जलाभिषेक के लिए जल नहीं था। तो फिर वे ध्यान में लीन रहकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए और एक दिन उस गण की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं वरुण देव उसे दर्शन देने आ गए। वरुण देव, प्रणाम। वरुण देव। प्रणाम महादेव भक्त कापड़ी। आपकी चिंता का भान है मुझे। आप इतने समय से यहां पर तप इसलिए कर रहे हैं जिसे महादेव की पूजा हेतु आपको इस सुदूर स्थान पर भी जल प्राप्त हो सके। आपकी पूजा के लिए आपको जल उपलब्ध करा के मैं कृतार्थ हूं, इसलिए अब आप जल कोश के उचित स्थान का चुनाव कीजिए और जल के लिए पृथ्वी को विभक्त कीजिए, तब मैं उस स्थान पर जल प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं कृतार्थ हूं, मेरा अहोभाग्य कि इस सरोवर का जल महादेव के शिवलिंग के जल अभिषेक के उपरांत पुनः इसी सरोवर में प्रवाहित होकर संचित हो रहा है। ये सब महादेव की लीला है वरुण देव। इस सरोवर में शिवलिंग के जल अभिषेक के जल के कारण आज से ये सरोवर विमलोदक सरोवर के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस पावन विमलोदक सरोवर के जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य के सभी पाप मिट जाएंगे और उनका तन और मन दोनों पवित्र
और शांत हो जाए। इसके पश्चात सहस्त्रों वर्षों के लिए भक्त कापड़ी वहीं उसी स्थान पर स्थित रहकर शिवलिंग की पूजा अर्चना में लीन रहे, किंतु उनके देहावसान के पश्चात एक पिशाच उस सरोवर के छोर पर स्थित एक बरगद के वृक्ष पर आकर निवास करने लगा। उस पिशाच को विमलोतक सरोवर के शीतल जल की लालसा थी, किंतु पिशाच होने के कारण वो उस जल का स्पर्श भी नहीं कर सकता था। तुम पिशाच हो, तुम्हें जलपान की अनुमति नहीं है। जल का स्पर्श भी तुम्हारे लिए वर्जित है। और तब उसके स्वभाव जनित ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो सरोवर के निकट आने वाले सभी भक्तों पर आक्रमण कर उन्हें वहां से दूर भगाने लगा। ओम नमः शिवाय। यहाँ जो कोई भी आएगा उसे अनेकों यातनाएं दूंगा। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। तब महादेव को ये ज्ञात हो गया कि कोई पिशाच उनके भक्त को सता रहा है। तो क्या पिताश्री ने उस पिशाच को उसके दुष्कर्मों के लिए दंड दिया माता? नहीं गणेश, महादेव ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई। क्या पिताश्री ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई? किंतु कैसे माता? हमारी जिज्ञासा शांत कर कृपया हमें बताइए माता, और हमारा मार्ग सुझाइए। ये ऋषि कोई भी हो, मेरे प्रभाव क्षेत्र में आने का दुस्साहस क्या है इसने? तो मैं इसे भी ताड़ना तो अवश्य दूंगा। ये क्या हुआ? इस ऋषि ने अपनी प्रबल ऊर्जा से पीछे धकेल दिया मुझे। ऐसा तो आज तक कोई नहीं कर सका। इस ऋषि ने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तो उसका परिणाम भी अवश्य भुगतेगा ये। मुझे इतनी निर्मल शांति का, इतने अपार आनंद और सुख का आभास हो रहा है। इस सरोवर पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्यों सताते हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ, यह मेरा क्षेत्र है, तो यहाँ आए हुए प्रत्येक जीव को मैं क्यों ना सताऊं? मैं पिशाच योनि में होने की पीड़ा सहन कर रहा हूँ। जो भी मेरे क्षेत्र में आएगा उसको भी पीड़ा देने का अधिकार है मुझे। मुझे भली भांति ज्ञात है तुम कौन हो, और तुम्हारी इस दुर्गति का कारण भी ज्ञात है मुझे। तुम अपने जीवन में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक स्थान पर निवास करते थे, और एक ब्राह्मण होने के बाद भी तुम तीर्थयात्रियों को सताते थे। तुम्हारे इन्हीं पापों के कारण तुम मृत्युप्राण पिशाच बन गए, और जब तुम्हारे समक्ष एक अपवित्र ब्राह्मण प्रकट हुआ तो तुमने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण के शरीर में
प्रेत, पिशाच बहुत सहजता से प्रवेश कर सकते हैं, और उसी ब्राह्मण के माध्यम से तुमने काशी में भी प्रवेश किया। तो मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात है, आप अवश्य कोई असाधारण दिव्य ऋषि हैं। तब तो आपको ये भी अवश्य ज्ञात होगा कि यहाँ काशी में जब शिव नाम मेरे कानों में प्रवेश हुआ तो मेरे शेष पाप नष्ट हो गए और मैं समझ गया कि प्रभु शिव के नाम से ही मेरा उद्धार संभव है। मुझे काशी में प्रवेश तो अवश्य प्राप्त हुआ, किंतु इस पिशाच योनि से मुझे मुक्ति प्राप्त ना हुई। आप सर्व ज्ञाता हैं, तो मुझे इस कष्टप्रद पिशाच योनि से मुक्ति दिलाइए प्रभु। इसका उपाय तो तुम्हारे समक्ष है। इस सरोवर का जल तो आत्मा को निर्मल कर देता है, तुम इसमें डुबकी क्यों नहीं लगाते? मैं डुबकी लगाऊंगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम पिशाच हो, तुम्हें जल पान की अनुमति नहीं है। जल का स्पर्श भी तुम्हारे लिए वर्जित है। आप सर्वज्ञाता हैं, तो आपको ये ज्ञात भी नहीं कि एक पिशाच को जल स्पर्श करना भी वर्जित है? जल के लिए तरस गया हूँ मैं, ये सरोवर मेरे समक्ष है, किंतु जल के एक बूंद के निकट तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अब क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? नमो देव्य महादेव्य शिवाय। ये पवित्र दिव्य भस्म है, इसका लेप अपने तन पर लगा लो तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम जल में भी प्रवेश कर सकोगे। ये आपका आशीर्वाद आप ही दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। तत्पश्चात महादेव के भस्म ने उस पिशाच को सरोवर के जल में उतरने में सहायता प्रदान की, और इस प्रकार पिशाच के जल में डुबकी लगाते ही वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। प्रभु, आप कोई साधारण ऋषि नहीं हैं, आप तो स्वयं महादेव हैं। महादेव, महादेव, महादेव। इस सरोवर में स्नान करने से तुम्हारे सभी शेष पाप भी मिट गए, अब तुम पिशाच योनि से मुक्त हो गए हो, इसलिए तुम्हें देवदूत अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाने आए हैं। महादेव, आपने कृपा कर मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान किया और साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। आपके आशीर्वाद स्वरूप मैं आपसे कुछ और मांगने का अधिकारी तो नहीं हूं प्रभु, किंतु क्या इसके पश्चात भी आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? अवश्य, बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, आज तक यहां आने वाले जीवों को मैं इसी कारणवश सताता रहा क्योंकि मैं स्वयं अप्रसन्न था, किंतु मैं अब सभी को तो शांति और मुक्ति से अवगत कराना चाहता हूं, जिसका आभास मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर स्वयं हुआ। कृपया इस स्थल को ऐसी दिव्यता प्रदान कीजिए कि मेरे समान यदि कोई पिशाच इस सरोवर में स्नान करे तो उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान हो। तथास्तु, तथास्तु।
तथास्तु। आज से यह तीर्थस्थल पिशाच मोचन के नाम से विख्यात होगा और जो भी पिशाच यहां स्नान करेंगे मैं विश्वनाथ मंदिर में स्थित रहकर उन्हें वहीं से आशीष दूंगा और मेरी कृपा से तुम्हारे समान उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम करो। प्रणाम महादेव। यदि आप दोनों इस पिशाच को विमलोदक सरोवर ले जाएं, तो पिशाच मोचन तीर्थ पर इसकी मुक्ति संभव है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माता। आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ गंगा। आओ गया नारी। अबुचित है। हाँ मुझे आवाज हो रहा है। हाँ, सफलता निकट है क्योंकि उस स्थल का नाम पिशाच मोचन सर्वथा उपयुक्त है। अब मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। देवी पार्वती मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपके दोनों पुत्रों को विमलोदक सरोवर अर्थात पिशाच मोचन घाट की ओर भेजा है, ये ज्ञात होते हुए कि काशी में बिना महादेव द्वारा भस्म प्राप्त किए किसी भी पिशाच की मुक्ति संभव नहीं। किंतु देवी ये मुझे करना पड़ा क्योंकि पिशाच मोचन घाट जाते समय आपके पुत्र उस मार्ग से होकर जाएंगे जहां आपका मंदिर स्थित है और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य उनकी सहायता करेंगे। इसके साथ ही आपके दोनों पुत्र आपकी अवस्था से भी अवगत हो जाएंगे देवी, जो कदाचित महादेव को पुनः काशी लौटाने का कोई नवीन मार्ग प्रशस्त करेगा। माँ गंगा की कथा के अनुसार पिशाच मोचन सरोवर में ज्ञानारी जी को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि ये इतना सरल भी नहीं होगा जितना प्रतीत हो रहा है। भैया ये करुण स्वर माता के मंदिर के भीतर से आ रही है, हमें देखना होगा भैया कि इस करुण स्वर के पीछे क्या कारण है। आइए हम भीतर चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे पहले मुक्ति दिलाओ, मुझे विचलित मत करो। रुको, रुक जाओ। तुम्हें इस मंदिर के जोड़े को लाने की अनुमति नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तुम एक पिशाच हो। हाँ पिताश्री, मूषक जी सर्वथा उचित ही कह रहे हैं और मैं भी सुतक अवधि में हूँ, इसीलिए हमें बाहर ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि हो क्या रहा है। हम यहाँ मेरी मुक्ति के लिए आए हैं अथवा हमारे यहाँ आने का कारण कुछ और ही है। पिताश्री कदाचित आपकी मुक्ति किसी और बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन है, कदाचित प्रभु की कोई महान लीला प्रकट होने वाली है। पिताश्री ये काशी है महादेव की प्रिय नगरी, संपूर्ण दिव्यता की केंद्र स्थली, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान नगरी काशी में महादेव के प्रिय स्थल पर उनके दिव्य लीला के मध्य में है। मां रुदन कर रही है किंतु क्यों? माता
आता। अंततः मेरे पुत्र मुझसे भेंट करने आ ही गए। हाँ माँ। माँ हमें क्षमा कीजिए, कदाचित हमें तो पूर्व में ही आपके निकट आ जाना चाहिए था, किंतु माँ आप रुदन क्यों कर रही हैं? माँ आप इतनी दुखी, इतनी निराश क्यों प्रतीत हो रही हैं? इसका कारण क्या है माँ, हमें बताइए ना। मेरे पुत्र तो मेरे समक्ष हैं, किंतु मैं तो मेरे स्वामी के दर्शन के लिए अधीर हूं, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही। माँ तो मैं अभी पिताश्री का आह्वान करता हूँ, वो भी शीघ्र आपके निकट पहुंच जाएंगे। पुत्र गणेश, स्वामी काशी में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि काशी के राजा देवदास ने उन्हें काशी में नहीं प्रवेश करने के वचन से बांध दिया। क्या? मात्र एक राजा होकर उसने इतना बड़ा अनुचित कृत्य किया, परमेश्वर महादेव को काशी से विलग कर दिया। मेरी माँ को मेरे पिताश्री से विलग कर दिया उसने। इतना बड़ा दुस्साहस किया उसने। अब देवदास का अंत निश्चित है। देवदास, स्वामी ये तो पुत्र कार्तिकेय की गर्जना थी, किस पर इतना क्रोधित हो रहा है वो? राजा देवदास, नाथ कार्तिकेय तो देवदास का अंत करने पर तुला है। राजा देवदास को उच्च दंड दूंगा मैं। अब देवदास का अंत निश्चित है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र रुको। भैया रुकिए। पुत्र गणेश, पुत्र जाओ और अपने भ्राता को रोको। माँ भैया तो अति क्रोध है, मैं उन्हें रोकने का प्रयत्न अवश्य करूँगा माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि राजा देवदास ने आपको पिताश्री से विलग होने पर विवश किया, जिसके लिए उन्हें उचित दंड प्राप्त होना ही चाहिए। माँ पुत्र गणेश, राजा देवदास ने जो भी किया उसमें कुछ भी अनुचित नहीं, इसीलिए जाओ और जाकर अपने भ्राता को रोको और उन्हें लौटा कर यहाँ लाओ। ये मेरा आदेश है पुत्र। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को मंदिर के भीतर इतना समय क्यों लग रहा है? थोड़ा धीरज धरो के मारी, पुनः स्मरण कराऊंगे तुम्हें, एक धीरज का फल मधुर होता है। प्रभु और कुमार कार्तिकेय माता के दर्शन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने ही तो गए थे, एक तुम्हारे लिए, तुम्हें पिशाच होने से मुक्ति दिलाने के लिए। कुमार कार्तिकेय आ गए। कुमार कार्तिकेय आ चुके और उनकी भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बड़े प्रयोजन के लिए दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने। हाँ, दृढ़ संकल्प उचित है। हाँ, मेरी इस पिशाची योनि से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प। तो मेरी ओर देखा तक नहीं, तो क्या इनकी उत्तेजना का कारण मेरी मुक्ति रही? भैया रुक जाइए भैया।
हुआ गणेश जी? हा? माता ने कोई उपाय उपाय सुझाया आपको? हमें उसके लिए कहीं और जाना है क्या? है? है? तो चले चले हाँ, कुमार कार्तिकेय के पीछे चले। किंतु वो तो जैसे किसी भीषण युद्ध के लिए आतुर है। मूषक जी, सुबोध एवं ज्ञानारी जी, आप सभी यहीं रुकिए, मैं भैया को रोकने जाता हूँ। भैया, मैं यहाँ रुकूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि योजना मेरी मुक्ति के लिए है तो मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए। हा? तो फिर ये प्रभु ने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया? भैया, भैया कृपया करके रुक जाइए भैया, रुक जाइए। किसी भी स्थिति में कार्तिकेय को रोकना ही होगा। काशी के राजा दिवोदास के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने का अर्थ होगा स्वयं महादेव के क्रोध का भाग।